नमस्कार, आप देख रहे हैं RX24 न्यूज़ और मैं हूं ज्ञान प्रकाश। समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सासाराम पहुंचे, कन्या आवासीय विद्यालय के भवन का उद्घाटन किया, नेकरा गांव में विकास कार्यों का निरीक्षण सभी स्टॉलों पर बारी बारी से किया और स्कूलों के बच्चों से के साथ रूबरू हुए। देखिए एक रिपोर्ट। कौन चीज नहीं हम देखे, हर चीज देखे हैं। तो अभी तो इस बार का मकसद तो पहले से कर, इस बार का तो मकसद दूसरा देख करके जरा सा जाना। कई नए पशुपति आए हैं आपके पास, कई लोगों ने अपनी मांगे भी रखी है, प्रमुख क्या है यहाँ का जो मांग? डिमांड के बारे में कुछ ज्यादा नहीं, खाली जो कहीं कहीं जो पानी के आ जाने से दिक्कत होती है और कहीं मान लीजिए कि जो सड़क बननी थी उसकी जो समस्या उसी के बारे में वो सबको नोट कर लिया गया है और पहले सुनाई दिया था जिनकी सर जिले में बालू का कारोबार। सर अवैध बालू का निकल रहा है सर, कि जो चीज़ हम सर अवैध बालू सर और बचा हुआ उसको पूरा कर देंगे ना। पहले की तुलना में तो बहुत कुछ किया जा चुका। सर पशुपति भारत ने कहा है कि सरकार तुरंत गिर जाएगी 2024 लोकसभा से पहले, कह रहा है तो उसको खुशी मनाइए उसको। अश्वनी चौबे भी ऐसा बयान दे रहे हैं सर। रोहतास में बालू काफी अवैध।